स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक का एग्जामिनेशन हुआ था 2020 में, उसका आंसर की आज जारी कर दिया गया। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने अपना आंसर की नहीं मिलाया है, वो इस आंसर की के जरिए अपना आंसर मिला लें कि ऑब्जेक्टिव में आपने कितना सही किया है, ठीक है। और काउंट कर लेने के बाद हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं टोटल इंक्लूड करने के बाद हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो देखिए, हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको देख सकते हैं अपना आंसर की, ठीक है। तो देखिए, आप कोई भी ब्राउज़र ऑन करेंगे और गूगल पर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे, या तो आप अपना जो BSEB है उसका ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं, नहीं तो आसान के लिए आप रिज़ल्ट भारत क्या करेंगे, सर्च करेंगे। रिज़ल्ट भारत जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल करके आएगा, ठीक है। और इस पेज में आपको ऊपर जाना है, स्लाइड कर लेने के बाद देखिए यहाँ पर तीन है, एक लेटेस्ट जॉब का है, एक एडमिट कार्ड का है और एक क्या है, रिज़ल्ट का है। तो आप रिज़ल्ट वाले सेक्शन में यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया आपका बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का जो एग्ज़ाम आंसर की है वहाँ यहाँ पर दिया गया। या तो आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, या नहीं तो नीचे आंसर की इसका एक और दिया हुआ, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये परफॉर्मा खुल करके आएगा, ठीक है। इसको स्लाइड करने के बाद आप ऊपर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है डाउनलोड 10th आंसर की या फिर ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक आपको करनी है इस वाले सेक्शन में, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल कर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है, वेलकम टू फीडबैक पोर्टल ऑफ सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2020, ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर सेकेंडरी मैट्रिक है दिया हुआ, इसमें आपको तो सिलेक्ट है ही, आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर डालना है, रोल कोड डालना है और रोल नंबर डालनी है, ठीक है। यहाँ पर रोल कोड और रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको एक सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका टोटल आंसर की खुल करके आएगा, ठीक है। तो आप इस अपना आंसर की देख सकते हैं। और हाँ, यदि आपको कोई आपत्ति है कि नहीं मैंने इसका आंसर सही किया था और आयोग के द्वारा इसका आंसर गलत किया गया है, तो आप इसका ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्शन के लिए आप लोगों का ये नोटिस जारी किया गया था, आप लोग देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, आप इसका ऑब्जेक्शन जो है वह कब तक डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट होगा आपका 13 मार्च 2020 से और 15 मार्च 2020 तक आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन किया गया है, निर्धारित अंतिम तिथि 15/3/2020 के बाद किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो दर्ज कराई जाएगी आपत्ति, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका लास्ट डेट दे रखा है, क्या दे रखा है, 15 मार्च तक आपको ऑब्जेक्शन कर देना है। यदि आपको लगता है कि मैंने आंसर सही किया और आयोग के द्वारा उसका आंसर गलत किया गया है, तो आप ये अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप अपना टोटल मार्क्स देख लें कि आपका ऑब्जेक्टिव में कितना सही है, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना मार्क्स सही हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।